शायद आपको पता नहीं कि इस प्रेम के चक्कर में देश में कितने लोग मारे जाते हैं, शायद आपको पता नहीं कि इस प्यार के चक्कर में देश में कितने लोग मारे जाते हैं, मंदिर में राधा कृष्ण पूजते हैं और प्यार करने वालों के गर्दन उतारे जाते हैं। यह ऑनर किलिंग के लिए मैंने लिखा था, जो कि देश की बहुत बड़ी समस्या है और कम से कम इसके चलते नहीं कुछ तो साल में 2 से 2.5-3 लाख लोग मारे जाते हैं। और इसके लिए कि आप तो समझदार है ना, आप लोग तो समझदार है ना, कि आप ही बताइए कि इंसान को रोटी की जरूरत है या फिर चांदी सोने की? अगर इंसान इंसान को समझे तो फिर क्या जरूरत है रोने की? और ये जो प्यार बदनाम है ना, तो चलो इसके पीछे का भी सच बताते हैं। और ये जो प्यार बदनाम है ना, तो चलो इसके पीछे का भी सच बताते हैं। जब वो मजबूरियों से जुदा हो जाती है तो हम ही उसे बेवफा कह के बुलाते हैं। जब वो मजबूरियों से जुदा हो जाती है तो हम ही उसे बेवफा कह के बुलाते हैं। जो कल तक जान हुआ करती थी, और जो कल तक जान हुआ करती थी, हम उसे चरित्रहीन बतलाते हैं। और जो आपके प्यार पर भरोसा करके भेजी थी कुछ मादक तस्वीरें, उसने वो अपने दोस्तों को दिखाते हैं। और महफिलों में उसके फरेब की बातें कर करके खुद को सच्चा आशिक बतलाते हैं। और आपको लगता होगा ना कि बदनाम कर दिया ऐसा करके, लगता होगा ना कि बदनाम कर दिया ऐसा करके उसको, पर सच कहूं तो ऐसा करके आप अपनी गिरी हुई औकात दिखाते हैं। हर एक गलत फहमी क्योंकि हर लड़के को होती है, हर एक अपाची वाले लड़कों को खास कभी ज्यादा होती है कि मैं शहर का सबसे अमीर आदमी, तो वो बोलते हैं अक्सर कि कुछ तो यहां तक कह देते हैं कि वो मेरे पैसों पे मरती थी, कहते हैं ना, कुछ तो यहां तक कह देते हैं कि वो मेरे पैसों पे मरती थी। सच बताना, तुम शहर के सबसे अमीर आदमी थे क्या जो तुमसे प्यार करती थी?